अच्छी क्लास में हम अपना बेडरूम यूनिट डिज़ाइन करने वाले हैं। बेडरूम में जैसे आप देखोगे इधर की तरफ हमारा वाटरप्रूफ आ रहा है, ठीक है, इससे एक अटैच वॉशरूम आ रहा है। पीछे की वॉल इसमें हमने डिज़ाइन करनी होगी, यहाँ साइड में तो हमारा पूरा एक फिक्स ग्लास विंडो आ जाएगी। ये आगे की तरफ हमारा क्या है, टीवी यूनिट होने वाला है। अभी टीवी यूनिट की जो गैपिंग हमने रखी है वो कितनी रखी है आप देख सकते हो, 270 है। मैं इसको बढ़ा दे रहा हूँ, तो अभी आप देख सकते हो हमने कितना रखा है, 350 रखा है। एक्चुअल में 350 की नहीं मिलता है, तो इसकी आगे की डिटेलिंग करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कॉपी करा इस पूरे लेआउट को, कॉपी करके मैंने इसको अलग उठा के रख दिया। हमने क्या किया इसके बाद, रेक्टेंगल से इसको चारों तरफ से कवर कर दिया, क्योंकि हमें बेडरूम की डिटेल दिखानी है, बाकी चीज़ों की डिटेल से हमें कोई मतलब नहीं है। तो मैंने XTRIM किया, पहले पॉलीलाइन को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद बाहर क्लिक कर दिया। सो हमने एक्सट्रीम से इसको ट्रिम कर दिया। अब ये जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक नहीं हटते हैं क्योंकि एक्सट्रीम से, तो ब्लॉक को आप बाद में डिलीट कर दो और यहाँ से मैं बाकी सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है हमें। मास्टर बेडरूम की हम डिटेल ड्राइंग स्टार्ट करने वाला है। तो इतना हो गया हमारा। अब इसमें यहाँ पे हमारी टीवी यूनिट हमें डिज़ाइन करनी है। टीवी यूनिट के लिए पीछे अभी हमने डिस्कस किया था पीछे क्या होगा, बैक में पैनलिंग होगी, उस पैनलिंग के ऊपर फिर हमारा टीवी यूनिट लगेगा। पैनलिंग हम डायरेक्ट वॉल पे भी कर देते हैं, कर सकते हैं, लोकल कारपेंटर डायरेक्ट वॉल पे पैनलिंग लगाता है। पैनलिंग लगाने के लिए क्या करते हैं, दो तरीके से किया जाता है पैनलिंग। एक पहले एल्यूमिनियम का फ्रेम लगाया जाता है, उस फ्रेम के ऊपर आप क्या करते हो फिर अपने पैनलिंग लगाते हो, पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है, पैनलिंग वो लोग क्या करते हैं, लोकल कॉन्ट्रैक्टर या कारपेंटर क्या करते हैं, डायरेक्ट वॉल पे ही आपके पैनल्स लगा देते हैं स्क्रू से, यहाँ लग जाते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन कल को अगर वॉल पे कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा, पैनल पूरा हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। जनरली हाई एंड क्लाइंट्स में हम लोग क्या करते हैं, जब वॉल होती है सीपेज वगैरह की भी प्रॉब्लम आती है, जैसे वॉशरूम से अटैच है तो सीपेज वगैरह की प्रॉब्लम आएगी। पीछे किचन है, किचन से हो सकता है आपका सीलन आए या दीमक वुड का होगा तो दीमक लगने के चांसेस आएंगे। इसलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं हाई एंड क्लाइंट्स में, पहले क्या करते हैं, पहले गैप आपका मेटल का फ्रेम लगाते हैं, उस फ्रेम के ऊपर एचडीएमआर की प्लाई लगाते हैं, उस प्लाई के ऊपर फिर हम क्या करते हैं अपना बोर्ड वगैरह लगाते हैं, और उस बोर्ड के ऊपर फिर आप फ्लूटेड पैनल लगाना है या कुछ और आपको लगाना है वो पैनल लगाते हैं पेस्टिंग करके। उससे क्या होगा, आपको ग्रूव्स वगैरह कोई कोई चीज़ नहीं दिखेगी, ठीक है। एक्चुअल में इस तरीके का भी वर्क हाई एंड क्लाइंट्स में इस तरीके का वर्क होता है। फिर जो आप जब मेटल फ्रेम लगाओगे जो आपका एचडीएमआर की प्लाई है वो तो उसके आगे लगेगी, तो वो गैप बचेगा, वो गैप में हम क्या करते हैं साउंड प्रूफिंग एलिमेंट डाल देते हैं। उससे क्या होता है, एकॉस्टिक पैनल जैसे डाल दिया तो उससे क्या होता है रूम में बाहर की साउंड आना बंद हो जाती है। लेकिन ये काम किसकी किसके घर में होगा, हाई एंड क्लाइंट में होगा, ठीक है। मिड रेंज या लो एंड क्लाइंट्स में ये काम नहीं होगा, ठीक है। सो मैं हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से वर्किंग आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर वॉल पे पैनलिंग होगी तो वो किस तरीके से करेगा।
अच्छा उसकी पैनलिंग के लिए जाहिर सी बात है आपको वॉल से क्या होगा गैपिंग देनी पड़ेगी, तो जो हमारा डोर है हमारा डोर थोड़ा सा क्या होगा छोटा लगाना पड़ेगा क्योंकि वो पैनल की जगह भी लेगा फिर हमारा। ठीक है, या तो हमें इसको खींचना पड़ेगा इधर की तरफ या हमें पहले से ही गैपिंग छोड़नी चाहिए थी। 100 से 150 mm का गैप, इसीलिए जनरली डोर कॉर्नर जो हाई इंक्लाइंड में डोर को बिल्कुल वॉल से कॉर्नर से अटैच करके नहीं लगाते क्योंकि पैनलिंग आती है। तो क्या करते हैं 100 से 150 mm की गैपिंग छोड़ के लगाते हैं ताकि जो भी पैनलिंग वगैरह आएगी वो उसमें वॉल में कवर अप हो जाएगी। ठीक है, सो इसके हिसाब से अब हम काम करेंगे। तो मैंने इस डोर को तो पहले कट कर दिया। अब पैनलिंग के लिए पहले क्या होगा, एक फ्रेम लगेगा आपका एल्यूमिनियम फ्रेम, चैनल फ्रेम लगता है हमारा। वो फ्रेम के ऊपर फिर हम क्या लगाते हैं, HMR की प्लाई लगाते हैं। HMR प्लाई क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो आपका फंगस से भी बचाएगी। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वॉल पे पैनलिंग कर लेते हैं। पैनलिंग के लिए वॉल की इनर एज तो यहीं तक आएगी हमारी। इस वॉल की डिटेल हमें दिखानी होगी, तो मैंने इससे 40 से 50 mm की गैपिंग ली पहले। का गैप ले लिया। ये गैप के पीछे आपका क्या लगेगा, आपका एल्युमिनियम का फ्रेम लगेगा। एल्युमिनियम फ्रेम जो होते हैं हमारे दो दो फिट के गैपिंग पे या तीन तीन फिट के गैपिंग पे, यानी कि 600 से 1200 mm की गैपिंग पे हम लगाते हैं। वर्टिकल फ्रेम लगाएंगे और हॉरिजॉन्टल फ्रेम, दोनों टाइप के फ्रेम लगेंगे। जैसे आपका ये दिख रहा ना, ये इस टाइप का पूरा फ्रेम लगेगा। तो मैंने डी एंड टेक रेक्टेंगल बना लिया इसके लिए 40 by 40 का, और 2 mm इसको अंदर ऑफसेट कर दिया, 2 mm की थिकनेस होगी और 2 mm की, सॉरी 40 नहीं 20 by 40 का बना दिया। ठीक है, इसको लेयर ले ली मैंने, कलर चेंज कर दिया इसका, डबल क्लिक करके एक्टिव कर दिया। और जो आपकी वॉल वाली लेयर थी नेश कलर रेड कर दिया, और जो आपकी ये दोनों लेयर हैं ब्रेक वाले इनका भी सेम कलर कर दिया। ठीक है, अब ये हमने बनाया था, इसको आप अंदर से हॉलो कर लेना, इसको ब्लॉक बना लो। कलर इसकी लेयर चेंज कर देता हूँ, लेयर कर दिया हमने एल्यूमिनियम चैनल वाली, इसको ब्लॉक बना दिया। एक हमने इस कॉर्नर पे दिया, हमने अलग कॉर्नर पर कॉर्नर टू इनके सेंटर टू सेंटर कितना डिस्टेंस है वो चेक कर लेता हूँ। सिक्सटी है, ठीक है। सो अब चैनल लगाने के लिए फ्रेमिंग एक्चुअल में हिसाब से दी जाती है, क्योंकि जो आपके पैनल आएंगे ना, पैनल की थिकनेस कितनी है, पैनल आपका 2 फिट वाले पैनल भी आते हैं, वुडन बोर्ड आपके 3-3 फिट के भी आते हैं, 4 फिट के भी आते हैं, तो इसलिए इनकी साइजिंग जो होती है ये आपकी 600 से
सॉरी 600 भी नहीं, अगर 8 इंचेस वाले 8 इंच 1 फिट वाले पैनल भी आते हैं तो 300 से 1200 mm के बीच में इनकी विड्थ वेरी करती है। हमारा चैनल लगता है, पैनल लगता है ना, पैनल की जितनी थिकनेस होगी उसके हिसाब से हम फ्रेम स्ट्रक्चर अपना डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो वो आपका 300 mm का भी आता है, 600 mm का भी आता है, फिर आपके कुछ फ्लूटेड आपकी लैमिनेट भी आती हैं, वो आपकी 3 फिट की भी आती हैं, यानी कि 900 mm 1200 mm तक आती हैं। तो उसके हिसाब से आपको चैनल लगाने होंगे यहाँ पे, ठीक है। हम अपना 600 mm की गैपिंग पे कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। आप चाहो तो इसके लिए मेजर कमांड का यूज़ कर सकते हो। एम ई एंटर किया, सेलेक्ट किया मैंने इसको, सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से कितने लेंथ में सेट करना है वो आपने बता दिया, जैसे कि आपने बता दिया 600 mm। अब आप पी टाइप कमांड पे जाएंगे और यहाँ से पॉइंट स्टाइल बदल देंगे, ठीक है। अब इसमें हो सकता है जो लास्ट सेगमेंट बचेगा वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ हो सकती है आपकी, या आप क्या को जितने सेगमेंट आ रहा था मैं सेगमेंट देखे, यहाँ से आप देखो ये वाले आ रहे हैं आपके 6 सेगमेंट बन रहा है, ठीक है। तो आप डिवाइड कमांड दे दोगे तो डिवाइड कमांड में सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे आपके। डी आई वी एंटर किया, मैंने इसको 7 सेगमेंट में तोड़ दिया, अब एक सेगमेंट की लेंथ जो है सेंटर टू सेंटर 1200 हो गई। इसको मैंने पैनल की विड्थ जो होती है, पैनल हम लेते हैं ना, पैनल की स्टैंडर्ड विड्थ आती है 300 mm का भी पैनल आता है, 600 mm का भी पैनल आता है, 1200 mm का भी पैनल आता है, बोर्ड्स हाँ उनके साइज के हिसाब से ही हम फ्रेमिंग लगाते हैं। और जो आपके पीवीसी पैनल वगैरह की जाती है उनके पैनल जो होते हैं वो 150 mm के चैनल पे लगाए जाते हैं, बट उनके चैनल फिर क्या होते हैं, पतले होते हैं। जैसे हमने ये स्क्वायर ट्यूब दिया है, ठीक है, उनके लिए क्या करते हैं हम एल चैनल या सी चैनल दे देते हैं 20 mm by 20 mm, चैनल का साइज़ भी छोटा हो जाता है। अगर ज़्यादा चैनल लगेंगे तो पतले चैनल लगाएंगे हम, वाइड नहीं लगाएंगे ना, अगर कम चैनल लग रहे हैं तो वाइड लगाते हैं, ये चीज़ ठीक है। तो उसके हिसाब से होता है, तो पहले चैनल आ गया हमारा, चैनल के बाद फिर हमारे इसके ऊपर क्या लगाते हैं हम, एच डी एम आर बोर्ड लगाते हैं। एच डी एम आर बोर्ड आपका 8 mm की प्लाई लगाते हैं, बल्कि बोर्ड भी नहीं होती है, सिर्फ वो प्लाई लगाते हैं, ताकि कल सीपेज हो या आपका टर्माइट के इशू हो तो वो आपके वॉल उसके जो टी वी यूनिट होने वाली है उसकी वुड को ख़राब ना करे। वो फिर ये जो गैपिंग बचेगी, इस गैपिंग में हम क्या कर फिलअप कर देते हैं आपका एकॉस्टिक्स या आपके वो होते हैं ना थर्मोकोल शीट्स होती हैं वो डाल देते हैं, ताकि वो क्या कर सके आपके साउंड प्रूफ कर सके एलिमेंट, ठीक है। तो वो डाल देते हैं इनके फिलर जो होता है ना इसके बीच में, उनसे फिलर फिलिंग कर देते हैं। तो आपका जो बोर्ड होगा वो मैंने आपको बताया कितने प्लाई लगेगी, कितने एमएम की, 8 mm की प्लाई लगेगी, हमने 8 mm की प्लाई दे दी। 8 mm की प्लाई के बाद इस पर फिर क्या लगेगा आपका, बोर्ड लगेगा। बोर्ड जो होता है वो हमारा होता है 12 mm का बोर्ड देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पहले क्या होने वाली है, प्लाई एच डी एम आर प्लाई होने वाली है। तो हमने इसके कलर को चेंज कर दिया, या लेयर बना लो आई डी डैश
ठीक है। इसके बाद फिर हमारा क्या आएगा, बोर्ड आएगा। तो बोर्ड हमारा कितने एमएम का, 12 एमएम। ये जो लाइन बनाई थी 12 एमएम के बोर्ड की लाइन। अब इसके ऊपर क्या लगाते हैं हम लोग, जैसे फ्लूटेड पैनल लगेगा तो 10 एमएम का वो पैनल आएगा। अब 10 एमएम का फ्लूटेड पैनल जो लगेगा वो क्या होगा, उसमें डिज़ाइन होंगे ग्रूव वाले या रेक्टेंगल टाइप के होंगे, तो वो पैनल के ग्रूव के डिज़ाइन हमें यहाँ डालते हैं। अब हम रेक्टेंगल टाइप का दे रहे हैं, सी टाइप के जो शेप था हमारा, तो उसके लिए मैंने रेक्टेंगल ले लिया, डी एंटर किया, डायमेंशन दे दी 10x8 का दे दिया, उसको मैंने रोटेट कर दिया 8x5 कह देते हैं, 10x5 का बनाया हमने। कॉपी करके इधर रखा, कटिंग कटिंग का क्या बोलते हैं, लाइन से मैंने इसको मिला दिया, मैच कमांड पे गया मैं, एक्सप्लोड कर दिया इसको, इसको भी ये हटा दिया मैंने। DLI से यहाँ से यहाँ तक कट सीन चेक किया कितना आ रहा है, 13 एरे के वन पे गए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देता हूँ मैं, इसका कलर फ्लोटेड का कलर अलग कर देता हूँ, कलर चेंज कर दिया, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, AR एंटर, रेक्टेंगुलर पे गए, इस वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, इन वैल्यूज को इंक्रीज किया, और ये हाइट हमने दे दी 13 की, इसको पॉवर खींच दिया, ये हमारी फ्लूटेड पैनलिंग हो गई। ठीक है, फ्लूटेड पैनलिंग जहाँ तक चाहिए वहाँ तक आप इसको क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। अब पीछे हमारे क्या आने वाला है, इस पर आपका शेल जाएंगे, तो शेल्फ के पीछे फ्लूटेड पैनलिंग का कोई मतलब है, सर ये उल्टा नहीं है, एक मिनट अभी अभी करते थे, तो 450 mm की हमने शेल दे दी, अभी सही करते हैं उसको, और हमने इसको सेलेक्ट किया, मैं विड्थ को इसकी ख़त्म कर, ठीक है, ये वाली लाइन को डिलीट करता हूँ। अब बताइए क्या चीज़ उल्टी लग रही, अच्छा वो पैनलिंग, हाँ सही कह रहे हो, इसको मिरर कर दो मेडल के अबाउट, अब ठीक है, हाँ उल्टी दिखा दी थी मैंने, सॉरी, पैनलिंग आ गई हमारी, ठीक है, यहीं तक रहेगी पैनलिंग, इसके आगे पैनलिंग का देने का कोई मतलब नहीं है, HDMI बोर्ड पूरा ही चलेगा, उसके पीछे आपका 12 mm के बोर्ड आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका बोर्ड आएगा, ये वर्टिकल बोर्ड है ना, ये 12 mm का नहीं रहेगा, ये कितने mm का देंगे हम, 18 mm का, हाँ शेल्फ से, अब इसके बाद यहाँ पे हमारा टीवी लगेगा,
टीवी लगेगा, तो टीवी के लिए मैंने आपको डिज़ाइन दिखाया था किस तरीके से रख रहे हैं हम डिज़ाइन। जो फ्लूटेड पैनलिंग आ रही है हमारी, उसके ऊपर हमारा क्या लग रहा है, एक और बोर्ड लग रहा है, उसके ऊपर ही तो पैन हमारा टीवी अटैच होगा। तो यानी कि ये जो लाइन आई हमारी, इसके ऊपर बोर्ड आएगा हमारा पहले। तो पहले मैंने इसको 10 mm पे ऑफसेट कर दिया, तो आप देख सकते हो इसके लेवल पे आ जाएगा हमारा। अब ये जो बोर्ड है, अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करो तो इस बोर्ड के पीछे लाइट आई हुई है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस और कर सकते हो, ये इससे हल्का से गैपिंग में आ रहा है, आ रहा है ना, ये गैपिंग इसलिए होती ताकि वो लाइट इसके अंदर हम डाल के छुपा सकें LED स्ट्रिप लाइट को हमारे। तो ये जो हमने इसको ऑफसेट किया, इसको ऑफसेट करने के बाद हमें वापस से ऑफसेट करना होगा इसको। ट्वेंटी एम एम पे मैंने इसको अगेन ऑफसेट कर दिया, ठीक है। 18 या 20 mm का आपका बोर्ड लगेगा। अब एक्चुअल में 18 mm का भी बोर्ड नहीं होता, आपका 18 mm का बोर्ड होता है, उसके ऊपर आपका कोई फिनिश आएगी वेनियर की या लेमिनेट की, है ना, तब जाके वो 20 mm बनता है। तो मैंने इसको 18 mm का पहले बोर्ड दिया, बेस बेस वाला ग्रूव जो आएगा दे दिया, इसको यहाँ से हमने ट्रिम कर दिया। अब ये बोर्ड हमारा टीवी यूनिट पे ही रहेगा ना, उसके आगे तो जाएगा नहीं, आगे ट्रिम कर दिया हमने ऐसे। यहाँ पे दाग देख सकते हो आप, यहाँ से यहीं तक ही आ रहा है खाली, है ना। तो जैसे यहाँ पे था हमारा, हम इस टाइप से ही रख रहे हैं कुछ, है ना। तो टीवी हमारा किस साइज़ का, उसके लिए आपने टीवी का शेप बना दिया, डी एन टेक किया, मैंने विड्थ दे दी 12 mm थी और वो थी आपकी 1400 mm। ठीक है, तो ये हमारा टीवी यूनिट हो गया, मैं इसको ब्लॉक बना दिया टीवी। इस टीवी को हमने मूव किया, हमने बैठ के मिडल पे रखा पहले, और मिडल पे रखने के बाद यहाँ से पीछे वॉल पे अटैच कर दिया। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, पहले 18 mm का एक बोर्ड लगेगा ग्रूव जिसके अंदर कटेगा, उसके बाद एक्चुअल में आपका बोर्ड लगेगा। तो मैंने 20 mm उसके बाद ऑफ ले लिया इसको, और इसको 20 mm वापस ऑफसेट कर दिया, ठीक है। अब इस पे हमारा जो बोर्ड होगा, वो बोर्ड यहीं से यहीं तक आएगा हमारा खाली। इसको हमने 30 mm साइड से ऑफसेट कर दिया। ये लाइट, हाँ लाइट चलेगी हमारी चारों तरफ से ना, उसके लिए गैपिंग है हमारी।
तो इस तरीके से लेआउट हमारा आ गया 20 से 30 mm का गैप होना चाहिए। कॉलर 25 mm, अगर कॉलर वाली है खाली स्ट्रिप लगानी है तो 20 mm में भी लग जाएगी, अगर कॉलर वाली दे रहे हैं तो आपका 25 mm का गैप लेगा वो, ठीक है। तो हमने उतना गैप दे दिया, विड्थ हमने कम रख रखी है, ठीक है, 18 mm की गहराई ज़्यादा दे दी ताकि इसके अंदर लाइट छुप सके, चिपकाई जा सके, क्योंकि इसको पेस्ट करवाया करा जाएगा ना इसके अंदर वो चीज़। अब आप इस लाइन को डिलीट कर दो, यहाँ से बोर्ड की लाइन यहाँ तक बना दी, इधर भी अगर आपको लाइट देनी है तो आप इधर से कि आप लोगों को, बट इधर देने का कोई मतलब नहीं बैठेगा क्योंकि शेल्फ आ रही है, शेल्फ में वो कवर अप हो ही जानी है। हाँ, अगर आपको लाइट दिखानी है तो आपको इसको कम करना पड़ेगा बोर्ड को, फ्लूटेड पैनलिंग पीछे दिखेगी, उस केस में आप कितना कम करोगे तो आप यहाँ से देख लो यहाँ से कितनी गैपिंग आ रही है हमारी, 148 लगभग 150 ना, यहाँ से 150 का आपने ऑफसेट दे दिया, ठीक है, ये आपका पीछे का बोर्ड हो गया, उसके बाद ये आपकी पैन में आ रही है, क्लियर है। अभी चारों तरफ हमारी लाइट आएगी, सिर्फ ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट नहीं, चारों तरफ हम अपनी लाइट स्ट्रिप को घुमा सकते हैं, ठीक है, बताइए क्लियर है। टॉप व्यू हमारे इसको कॉपी करके अलग रखेंगे, ये हमारी क्या हो गई है वॉल, वॉल के लिए हैच कर दिया हमने, ठीक है। देन ये क्या होने वाले हैं हमारे, यहाँ पे आप इसकी डिटेल दिखाएंगे, तो क्या होने वाला है हमारा फ्रेम, फ्रेम चैनल, फिर ये क्या होने वाली है हमारी HDMR प्लाई, वुडन बोर्ड 12 mm, और फिर ये आपका क्या हो जाएगा फ्लूटेड पैनलिंग 10 mm, ठीक है। सो इस तरीके से आपने टॉप व्यू के डिटेल आपको दिखाने हैं, टॉप व्यू की डिटेल दिखाने के बाद अब मेन नेक्स्ट काम था होता है इसका फ्रंट एलिवेशन तैयार करना, तो मैंने इसको कॉपी करके अलग रखा, रोटेट कर दिया, कंस्ट्रक्शन लाइन पर गए, एक्सेल एंटर वी एंटर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दे दिया, सेकंड यहाँ दे दिया, इंटरनल रेफरेंस लेंगे, बॉटम में एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, ठीक। सबसे बॉटम में हमारे क्या आता है, स्कर्टिंग आती है कितने की,
75 mm की स्कर्टिंग होगी हमारी। अच्छा, कई बार ड्रॉट बिल्कुल वॉल से अटैच करके फ्लोर से मिला के बनाए जाते हैं, और कुछ को हम फ्लोटेड टाइप रखते हैं। तो डिफरेंस क्या ऐसा होता है देखने में, आप देखो ये क्या है, हैंगिंग टाइप है ना, ये देख सकते हो ये किस पे रखा हुआ है, एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आना है। अब चाहे लेग्स हो सकते हैं, या लेग्स को बाद में आपके आपने बॉडी से कवरिंग कर दी हो, दोनों में कोई भी चीज़ हो सकती है। सो किस टाइप का हम बना रहे हैं ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए आगे काम बढ़ाने से पहले, कि हम फ्लोर वाला रख रहे हैं या इस टाइप का देना चाह रहे हैं, कौन सा देना चाहिए। अच्छा, क्यों, क्लीनिंग आसान रहती है, ठीक है, पानी से ख़राब नहीं होगा, वॉल पे हैंग हो रहा है। तो फ्लोटेड टाइप अगर हमें देना है तो नीचे की गैपिंग जो होनी चाहिए वो हमारी मोर देन 4 inches देनी चाहिए। 4 inches में भी आप क्लीनिंग कर सकते हो, लेकिन जैसे आजकल वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं या आपके ऑटोमेटिक क्लीनर आ रहे हैं ना फ्लोर पे, आप उनको चार्ज करके छोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली पूरे फ्लोर की क्या करते हैं, डस्टिंग वगैरह सारी रिमूव कर देते हैं। तो उनके लिए जो आपकी गैपिंग होनी चाहिए वो कम से कम 6 से 8 inches की होनी चाहिए, यानी कि 150 से 200 mm की होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी 150 mm की या 200 mm की ले लेते हैं, हम एक काम करते हैं 200 mm हमने अपने ड्रॉर की हाइट ले दी। अब ड्रॉर की हाइट जो टीवी यूनिट है जिसके ऊपर आप जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली जो हाइट लेवल है ये फ्लोर से हमारी स्टैंडर्ड होती है 600 या उससे लेस। लो हाइटेड बनाना है तो आप उसको 450 पे रखते हो, और आप नॉर्मल बना रहे हो तो आप उसको कितना रखोगे, लेस देन 600 रखोगे। हाँ, इसके ड्रॉर की हाइट, क्योंकि जितनी ये ज़्यादा हाइट पे होगा उतना ही टीवी आपका भी और ऊपर जाएगा। और जैसे आप किसी हाई इंक्लाइन का घर बना रहे हैं, हमने बैठ दिया लो हाइट, तो टीवी भी उसका क्या होगा, थोड़ा सा नीचे लगेगा, बैठ पे बैठ के जब देखेंगे तो हाइट हमारा क्या होगी, कम आएगी। क्या चीज़, स्कर्टिंग तो आपकी जो फ्लोरिंग की मटेरियल की बनती है ना, कई बार लगाते हैं कई बार नहीं देते हैं, तो स्कर्टिंग तो उस तरीके से रहती है हमारी, है ना। स्कर्टिंग नहीं भी दिए तब भी हमारा क्या होता है, PCC रहता है ना, थोड़ा सा स्पेसिंग लेते हैं हम, लेग्स पे ऊपर खड़ा करते हैं फिर उसको। अब जैसे ये आप देखोगे बिल्कुल फ्लोर से चिपका के लगाया बनाया हुआ है, बट इसमें भी हल्का सा हेयर मार्जिन होगा 20 mm का, क्योंकि वरना ड्रॉर खींचेगा तो फ्लोर पर अटैच होगा ना ये चीज़ है। तो स्कर्टिंग तो हमेशा लेनी ही लेनी है, स्कर्टिंग गैप ज़रूर लेना है। अब यहाँ पे स्कर्टिंग है देखो, ये पीछे 75 से 100 mm की स्कर्टिंग होती है हमारी, वो देख दिखा रखा है। यहाँ पे आप देखोगे स्कर्टिंग ने देखिए वो इसी में ही अटैच कर दिया है, गैपिंग नहीं है, ये नीचे लेग्स होंगे, उसको बाद में क्या किया, वुड के बोर्ड से कवर कर दिया गया, तो आपको लेग्स नहीं दिख रहे, ऐसा लग रहा है कि एक PCC का नीचे स्लैब पड़ा हुआ है, बट ज़रूरी नहीं है। स्कर्टिंग की हाइट होती है स्कर्टिंग की हाइट होती है 75 mm से 100 mm तक, जो ये लगती है ना ये वाली, 3 inches से 4 inches वही तो होती है, 3 inch आपका 75 mm, 4 inch आपका 100 mm। रेजिडेंशियल में इतनी चलती है, कॉमर्शियल सेटअप्स में आपकी ज़्यादा चलती है, 300 mm ही चलती है, 450 तक चली जाती है, लेकिन कॉमर्शियल सेटअप में जैसे रेस्टोरेंट, आपके चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा, यहाँ पे ज़्यादा देते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स, इनमें भी देते हैं ज़्यादा। अच्छा, तो हमने यहाँ से स्कर्टिंग का गैप दे दिया और फिर ये ड्रॉर का गैप दिया। अब मैंने आपको बताया था जो आपकी हाइट है वो हाइट कितनी रखेंगे हम, 600 से कम रखनी है हमें। तो ड्रॉर की हाइट अगर आप लो हाइटेड बना लो तो आप हाइट जो होगी 500 से ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे, 450 से 500 के बीच में रख देंगे, ठीक है। तो मैंने इसकी हाइट को अभी नीचे से 500 रख दिया, तो 500 रखने पे आप देखोगे तो गैपिंग कितनी क्या आ गई, 300, 1 foot का गैप आ गया हमारा, सिंगल ड्रॉर आएगा इसमें, ठीक है। और मैंने इसको एक काम और किया, 50 mm और डाउन कर दिया, तो स्कर्टिंग का गैप कितना, वो इसके नीचे से हाइट कितनी रखी हमने,
150, ठीक है, इसके ऊपर मैंने 100 का इसको गैप दे दिया और इसके ऊपर 40 mm का बोल्ट दे दिया, ठीक। एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस दिया, ये क्या कर रहा है, मैंने ये ओपन यूटिलिटी शेल्फ दिया है, इसके अंदर आपका सॉकेट्स वगैरह आ जाएंगे, सेटअप बॉक्स हमें रखना है हमने यहीं रख दिया, स्पीकर रखना है ठीक है, या मोबाइल फ़ोन वगैरह रखना है, वो सारी चीज़ें हमारी स्पेस में आ जाएंगी अंदर, है ना। अगेन एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस दिया इस यूनिट का, यहाँ पर क्या आएंगे, क्या आएगा हमारा शेल्फ, शेल्फ हम इसके ऊपर ही दे रहे हैं, नीचे हम नहीं दे रहे। टोटल हाइट हमारी कितनी थी, 3000 हमने कितनी ली थी, यहाँ से कहीं पे एलिवेशन बनाया था हमने, इसकी कितनी ली है टोटल हाइट, 3000 हाइट ले ली, तो यानी कि फॉल सीलिंग वगैरह जितनी भी हो सब हमारी इसके ऊपर है, यस फॉल सीलिंग नहीं है, खाली स्लैब पड़ा हुआ है, 150 mm का हमने स्लैब दे दिया ऊपर, RCC जो हमारा होता है वो स्लैब ऊपर आ गया, रेक्टेंगल कमांड पे गया, कितने mm का बोर्ड लिया हमने यहाँ पे, 18 mm का, तो इसको चारों तरफ से 18 mm अंदर ऑफसेट कर दिया, इसको पहले 4 सेगमेंट में तोड़ा, तो एक सेगमेंट की हाइट आपकी 597 आ रही है, तो 5 सेगमेंट में तोड़ा, इसको ब्रेक किया, 474 आ रही है लगभग, ठीक है। सो आप ऐसे तोड़ सकते हो डिवाइड करके इक्वली, या मैंने यहाँ पे एक लाइन ली, इसको मूव कर दिया, पे और 18 mm की बोर्ड की थिकनेस ले ली, कॉपी पे गए, लास्ट वाले को थोड़ा सा बड़ा कर दिया या नीचे बॉटम वाले कुछ बड़ा पड़ा कर लो, 450 500, है ना। ये आपके एडजस्टेबल शेल्व्स हो गए। यहाँ पे आप पहले टीवी यूनिट डिजाइन कर देते हैं, टीवी यूनिट के लिए एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस किया, टीवी जो हमारा होगा वो आपका जो यहाँ पे आप काउंटर देते हो ना वो उससे कम से कम 300 mm ऊपर होना चाहिए आपका, ठीक है, 250 से 300 mm ऊपर, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी हम कई बार कुछ सामान वामान रख देते हैं, तो टीवी अगर इसी पे हुआ तो क्या होगा, वो सामान रखने की वजह से छुप जाएगा। फिर टीवी की जो स्टैंडर्ड हाइट होती है आपकी, वो हमारा जो टीवी का सेंटर होता है वो हम 1500 mm पे देते हैं, क्या अप्रॉक्स 1200 से 1500 के बीच में, ठीक है।
और फिर ये भी होता है देखो, हम 450 mm का हमारा बैट होगा, फिर उसके बाद हम उस पर जब बैठेंगे तो 450 mm और ऊपर उठ जाएगा, तो कितना स्पेस हो गया, 1000 mm। तो टीवी के नीचे आपका लगभग 1000 mm के आसपास, 900 mm या 1000 mm का स्पेस आना चाहिए। तो मैंने अभी के लिए क्या किया, इसको 300 mm यहाँ से ऊपर ऑफसेट कर दिया। हाइट कितनी है टीवी की आप देख सकते हो, 80 सेंटीमीटर दिखा रहा है, यानी कि 800 ऑफसेट कर दिया हमने ऊपर। इसके बॉटम की, मैंने इसके बॉटम से हाइट देखी कितनी आ रही है अभी, तो मैं 1000 mm इसकी रख रहा हूँ। तो 1000 mm रखने के लिए मैंने क्या किया, 110 इसको और कम कर दिया। ये टीवी हो गया हमारा, ज्वाइन कर दिया मैंने इसको 10 mm का, चारों तरफ से बेजल दे दिया, चारों तरफ बेजल दिखता है ना वो। अब टीवी यूनिट तो हमने दे दिया है, लेकिन टीवी यूनिट के पीछे आप देखोगे तो इस तरीके का क्या था, हमारा बोर्ड था एक, इस टाइप का बोर्ड दे रहे थे है ना, ये तो दे रहे थे। यहाँ से हाइट देखी हमने कितनी हाइट हो रही है, देखो 410 हो रही है। मैंने इधर से हमने बोर्ड की गैपिंग कितनी ली थी, 150 ली थी अगर आपको याद हो तो, है ना, यहाँ से भी 150 का आ रहा था। तो मैंने एक काम किया, ऑफसेट कर दिया 150, ये हमारा बोर्ड हो जाएगा। अब इसके पीछे हमारी पैनलिंग आएगी, बोर्ड को 20 mm हमने अंदर कर दिया ऑफसेट, इसको सेलेक्ट करके लाइन टाइप को इसके एडम कर दिया, लाइन वेट भी बढ़ा दिया यहाँ से इसका। लाइट टाइप स्केल इसका कम कर दिया, और कलर इसका हमने ये हमारी लाइट स्ट्रिप दिखाया, ठीक है। आप चाहो तो पूरा बोर्ड इससे मिला के बना सकते हो, तो इस केस में आपको सी टाइप की स्ट्रिप दिखाई देगी, या आप चाहो तो खाली अप और डाउन में स्ट्रिप दिखा सकते हो जैसे ये वाली ड्राइंग में था, सिर्फ अप और डाउन में, ये आपकी चॉइस है। अब यहाँ पे हमें पैनलिंग दिखानी है, इसकी पैनलिंग दिखाने के लिए मैंने लाइन कमांड की, यहाँ से इसको कनेक्ट किया, वालेकुम। 10 mm का गैप लिया हमने, देन 3 mm का गैप लिया था, और इधर से इसको गैपिंग 1.5 mm का हमने लिया एरे कमांड पे गया। रेक्टेंगुलर एरे को रिड्यूस कर दिया हमने और ये बढ़ा दिया हमने यहाँ पर, आ गया पूरा एक साथ ही आ गया। एक्सप्लोर कर दिया इसको ट्रिम कमांड पे गए, ठीक है, हमने इससे ट्रिम कर दिया। फिर ये सेगमेंट्स आ जाते हैं,
इसके अंदर के एलिमेंट भी नहीं दिखेंगे ना। हो गया है? अच्छा अब ये वाली लाइंस की जरूरत नहीं है। इनको डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये आपकी फ्लूटेड पैनलिंग होगी पीछे की तरफ, फुल वॉल पे पैनलिंग दिखा दी हमने। वॉल पे पैनल बताइए, क्लियर है? अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे डिटेल दिखाओ। ये आपकी पैनलिंग, आप चाहो तो पैनलिंग को सिर्फ इतना रख सकते हो, आगे की पैनलिंग को हटा सकते हो। वैसे भी आपकी वॉल के अंदर क्या हो जानी है, उनको डोर के पीछे छुप जाना है। आप इतनी पैनलिंग, जब आप इतनी लोगे तो आप इस बोर्ड को यहाँ से आगे तक भी विड्थ बढ़ा दिएगा, ठीक है, ताकि लाइट जो होगी वो सिर्फ खाली ऊपर और नीचे आ जाएगी। आप और यहाँ पे आप एक्सट्रीम कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सट्रीम कमांड दिया हमने, पॉलीलाइन को सेलेक्ट किया, एंटर किया, एक्सट्रीम पॉलीलाइन को सेलेक्ट, सॉरी एक्सट्रीम कमांड पे गए, पॉलीलाइन को सेलेक्ट किया, साइड टू ट्रिम अंदर वाली ट्रिम कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम इन दोनों को हटा देंगे, इसको एक्सटेंड कर दिया हमने, तीन सौ बाईस, 150, ठीक है। सेंटर पर डाल दिया हमने, 2 2 3, ये हो गया। ऊपर नीचे पैनलिंग आ गई आपकी, नीचे हमने यहाँ पूरा कवर कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या दे दोगे, इधर की तरफ ड्रॉअर देने आपको, इसकी लेंथ चेक के लिए कितनी आ रही टोटल, 2300 आ रही है, ठीक है। 2300 में 3 या 4 ड्रॉअर आप दे दिए, ड्रॉअर देने के लिए 4 ड्रॉअर देने, तो सेगमेंट के 4 ड्रॉअर आ जाएंगे आपके। एयरलाइन गैप रहेगा तो 1.5 दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया हमने, सेंटर लाइन को डिलीट कर दिया, कॉपी पे गए,
ये आपके ड्रॉर हो गए, नीचे स्कर्टिंग आ गई आपकी, ये आपकी फ्लूटेड पैनल आ गई, और एक काम और कर रहा हूँ, ये गैपिंग कितनी बच रही है, 260 है ना, मैंने इसको 60 नीचे कर दिया और इसको 60 ऊपर कर दिया, ताकि एक बराबर गैपिंग चारों तरफ से आ जाए, ठीक है। सो इस तरीके से हमने ये तैयार कर लिया। अब क्योंकि मैंने उसमें चेंज किया है तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, इसको हटा दिया, नीचे तो जा नहीं रहा, इसको बैठा देता, यहीं तक रह गए, और टीवी भी थोड़ा सा हमने शिफ्ट कर दिया, आ गई, ठीक है। ड्रॉर जो होंगे वो 20 mm अंदर रहेंगे, ये जो ड्रॉर होंगे ऊपर वाली शेल्फ से 20 mm अंदर रहेंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे आपका लाइट के स्विचेज आएंगे वहाँ पे आप स्विचेज और दिखा दिएगा, आपका स्विच बोर्ड हो जाएगा, इसको ब्लॉक बना दिया आपने, ये स्विच बोर्ड हमारा सेटअप बॉक्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। सेटअप बॉक्स के लिए हो गया, एक स्पीकर वगैरह रहेगा या फ़ोन वगैरह चार्जिंग लगाने के लिए, बस के लिए हो गया, इनके स्विचेज हो गए, ठीक है। इसी तरीके से एक स्विच आपका इसके पीछे भी होगा, हाँ टीवी के सेटअप बॉक्स, HDMI केबल जाएगी वो भी अंडरग्राउंड जाएगी, टीवी का कनेक्शन को ऑन करने के लिए आप एक स्विच ज़रूर दिया हुआ है, लेकिन टीवी का प्लग जो होगा वो पीछे होगा, स्विच नीचे प्लग ऊपर है, तो प्लग के लिए मैंने रेक्टेंगल लिया, एंड्रॉइड 50 का बॉक्स बनाया, 5 का चारों तरफ से गैप किया, ठीक है। एक पावर प्लग हो जाएगा, एक उसका स्विच हो गया,
एक ही वाला जो पोर्ट होता है ये जनरली, जैसे कि अगर हमें नेट कनेक्ट करना होता तो लैन केबल वगैरह के लिए, वाई वो आपकी लैन वायर वगैरह के लिए या डिश के लिए हम लोग एक पोर्ट दे देते हैं। डिश की केबल जो है, या सेटअप बॉक्स से कोई HDMI केबल आ रही है, कोई केबल आ रही है, उसका एक पोर्ट दे देते हैं। वहाँ से वो केबल निकल के आपके टीवी के अंदर लग जाए, वरना फिर इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। स्विच बोर्ड 2 दे दिया हमने नाम इसको। आप देख सकते हो कितना 1400 mm आ रहा है फ्लोर से। ₹1500 हाँ अप्रॉक्स। अब इसको टीवी के पीछे छुपा देते हैं हम लोग, ये जो स्विच होता है ना बाहर नहीं निकालते हैं सोलह भी, इसको अंदर रख, क्योंकि बाहर होगा टीवी के बाहर तो फिर वो अलग से लटकता हुआ दिखेगा, इसे अंदर रखते हैं। इसको डॉटेड इसलिए किया क्योंकि पीछे छुपा हुआ है। सो ये हमारा टीवी यूनिट का फ्रंट एलिवेशन तैयार हो गया। ये फ्रंट एलिवेशन हो गया, इसकी डिटेलिंग लिखेंगे अलग से, और ये आपका उसका टॉप डिटेल। ठीक है, ये तैयार करने के बाद इनकी डिटेल आप अलग से डिफाइन करिएगा। ठीक है, चलिए। सो टीवी यूनिट हमारा हो गया। इसी तरीके से कोई और सा टीवी यूनिट लेना होगा तो उसका भी आप बना सकते हो।